ये रक्तपात शांति और अहिंसा की नीति पर चलने वाले उन्हीं गांधी जी के कारण हुआ जिन्होंने अपने प्रत्येक भाषण और लेख में क्रांतिकारियों की निंदा की। जब गांधी जी के प्रचंड विरोध के बावजूद भी मार्च 1931 के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने भगत सिंह के साहस की प्रशंसा में प्रस्ताव पारित किया, तब गांधी जी अपनी इस पराजय को नहीं भूले। और कुछ महीने भीतर जब मुंबई के गवर्नर पर गोली चली तो गांधी जी ने उसका कारण भगत सिंह की प्रशंसा में पारित इस प्रस्ताव को ही बताया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस कथन का विरोध किया, परिणाम स्वरूप गांधी जी सुभाष बोस को भी अपना शत्रु समझने लगे। Our struggle is no doubt a non-violent struggle, but even a non-violent struggle demands an army, an organization, and a machinery. और उनका कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने पर गांधी जी ने कहा कि सुभाष की जीत गांधी की हार है। जब तक उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष की गद्दी से नहीं उतारा गया तब तक उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। जो लोग कहते हैं कि मात्र गांधी जी के परिश्रम से हमें आजादी मिली, वो एक झूठा इतिहास लिखना चाहते हैं। जब तक देशभक्त क्रांतिकारियों के बलिदान को अंधेरे में रखा जाएगा तब तक हमारी आने वाली पीढ़ियां इतिहास के सवेरे से वंचित रहेंगी। आदर आदर। 1947 की सर्दियों में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने जो आमरण अनशन रखा था उसे तोड़ने के लिए जो पहली शर्त उन्होंने रखी थी वो ये थी कि दिल्ली की मस्जिदों में शरण लिए हुए हिंदू और सिख शरणार्थियों को मस्जिदों से बाहर निकाला जाए और मस्जिदें मुसलमानों को सौंप दी जाए। सरकार गांधी के अनशन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुई और जिस दिन गांधी जी ने अनशन तोड़ा उस दिन वर्षा भी हो रही थी। उस असाधारण सर्दी में अच्छे घरों में रहने वाले लोग भी कांप रहे थे, परंतु उन निराश्रितों के ठिठुरते हुए कुटुंब के कुटुंब मस्जिदों से बलपूर्वक बाहर निकाले गए। जिस दिन यह घटना घटी संयोगवश मैं दिल्ली में ही था, मैंने अपनी आंखों से गांधी जी की जिद को पूरा होते हुए देखा। कड़ाके की सर्दी और वर्षा में कपकपाते हुए वो लोग बिरला हाउस पहुंचे। वहां उन्होंने नारे लगाए, गांधी जी हमें शरण दो, गांधी जी हमें शरण दो। परंतु उस भव्य भवन में रह रहे गांधी जी तक उन निराश्रितों की पुकार नहीं पहुंची। ये मर्मस्पर्शी दृश्य जिसे देखकर कठोर से कठोर मनुष्य का हृदय भी द्रवित हो जाए, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। क्या उन निराश्रितों ने अपनी मर्जी से उन मस्जिदों में डेरे डाले थे? क्या गांधी जी को उन विषम परिस्थितियों की कल्पना नहीं थी जिनसे बाध्य होकर वो बदनसीब उन मस्जिदों में शरण लेने को मजबूर हुए थे? यदि उन मस्जिदों को खाली कराया जाना उचित था तो पाकिस्तान के मंदिर खाली कराकर हिंदुओं को सौंपने की मांग गांधी जी ने क्यों नहीं रखी? यदि वो ऐसा करते तभी यह सिद्ध होता कि गांधी जी निष्पक्षता से हिंदू मुस्लिम एकता के इच्छुक थे। परंतु गांधी जी ने पाकिस्तान और वहां के मुसलमानों के सामने अपना अनशन खोलने के लिए एक भी शर्त नहीं रखी, क्योंकि अपने अनुभव से उन्हें मालूम था कि उनके अनशन का जिन्ना और उनके अनुयायियों पर कोई असर नहीं पड़ता। गांधी जी ने अपने अनशन से भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ रुपए ना देने के निर्णय को भी पलटवाया, जबकि उन्हें भली भांति पता था कि इस रकम का प्रयोग पाकिस्तान भारत के विरुद्ध चल रहे युद्ध में अपनी विजय के लिए करेगा। वो अनेकों बार जिन्ना से मिलने गए और सदा उन्हें जिन्ना भाई अथवा कायदे आजम कहकर संबोधित किया,
लेकिन एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जब जिन्ना ने उनसे सहयोग की इच्छा प्रकट की हो। गांधी जी की जिस आध्यात्मिक शक्ति और अहिंसा की महिमा का सब जय जयकार करते हैं, वो जिन्ना की दृढ़ता के सामने नपुंसक सिद्ध हुई। जब गांधी जी को यह दिखाई दे चुका था कि वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जिन्ना को प्रभावित नहीं कर सकते, तो उन्हें अपनी नीति का पुनर्मूल्यांकन करते हुए किसी दूसरे नेता को जिन्ना और मुस्लिम लीग से निपटने का कार्य सौंप देना चाहिए था। परंतु व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा राष्ट्रहित पर इतनी भारी पड़ी कि राष्ट्र के दो टुकड़े हो गए। हमारे त्यागी और दूरदर्शी नेताओं ने संपूर्ण भारत की स्वाधीनता के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, परंतु देश के विभाजन से वो संयुक्त राष्ट्रीय प्रयास विफल हो गया। जिन देशभक्त क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदों को गले से लगाया था, आजीवन कारावास अथवा देश से निर्वासित होने की यातनाएं भोगी थी, क्या उन्होंने इसी विभाजित देश के लिए अपने जीवन दांव पर लगाए थे? 14 अगस्त 1947 को छल पूर्वक भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया और पंजाब, बंगाल और सीमा प्रांत के हिंदुओं के भविष्य की किसी ने कोई चिंता नहीं की। करोड़ों हिंदुओं को मुसलमानों की दया पर छोड़कर गांधी जी कहते रहे कि हिंदुओं को पाकिस्तान छोड़कर भारत पलायन नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन हजारों हिंदू पुरुषों का संहार और हजारों हिंदू स्त्रियों की अवमानना होती रही, परंतु उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला गया। यदि समाचार पत्र पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के संबंध में कुछ लिख देते तो उसका अर्थ यह लिया जाता है कि समाचार पत्र हिंदू और मुसलमानों में मतभेद फैलाने का काम कर रहे हैं और उन पर प्रेस इमरजेंसी एक्ट की धाराएं लागू कर दी जाती है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विषय में गांधी जी ने कभी एक शब्द भी नहीं कहा। यह कहना अनुचित नहीं कि पाकिस्तान में हिंदू जाति और हिंदू संस्कृति को मिटाने के लिए जो अत्याचार हो रहे हैं उसका मूल कारण गांधी ही है। यदि भारत की राजनीति को भली भांति संभाला जाता तो ऐसा संघार जिसका उदाहरण इतिहास में कहीं नहीं मिलता कभी भी घटित ना हुआ होता। गांधी जी सदा सत्य और अहिंसा के नारे लगवाते रहे। कोई भी समझदार व्यक्ति इन नारों को पूरा नहीं कह सकता, परंतु यह आशा करना कि जीवन सदैव ऐसे उच्च आदर्शों के अनुसार चलेगा एक दिवा स्वप्न है। वास्तव मुझे स्पष्ट दिखाई देता था कि यदि मैंने गांधी जी का वध किया, मैं जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाऊंगा। लोग मुझसे घृणा करेंगे और जो सम्मान मुझे प्राणों से भी प्रिय है वो नष्ट हो जाएगा। मैं अवश्य मरूंगा परंतु देश अमर होगा। मुझे स्पष्ट दिखाई देता था कि यदि मैंने गांधी जी का वध किया, मैं जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाऊंगा। लोग मुझसे घृणा करेंगे और जो सम्मान मुझे प्राणों से भी प्रिय है वो नष्ट हो जाएगा। परंतु मुझे यह भी दिखाई देता था कि भारत की राजनीति से गांधी जी के प्रस्थान से ही भारत का भाग्योदय होगा और देश एक महाशक्ति बनकर उभरेगा। मैं अवश्य मरूंगा परंतु देश अमर होगा। मुझे गालियां मिलेंगी परंतु विश्व में भारत का नाम होगा। और यही सोचकर मैंने गांधी जी का वध करने का निर्णय लिया और अपना यह निर्णय किसी को नहीं बताया।
अंततः 30 जनवरी 1948 को मुझे मेरा निर्णय साकार करने में सफलता मिली। यदि देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूं मैं पापी हूं, और यदि देशभक्ति प्रशंसनीय है तो मैं स्वयं को उस प्रशंसा का अधिकारी मानता हूं। मेरे जीवन का अंत तो तभी हो गया था जब मैंने गांधी जी पर गोली चलाई थी। उसके पश्चात तो मैं एक अनासक्त जीवन बिता रहा हूं, और मुझे अपने कृत्य पर कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी जी ने इस देश के प्रति जो योगदान दिया है उसके लिए मैं उनका आदर करता हूं, और इसीलिए उन पर गोली चलाने से पहले मैं उनके सामने नतमस्तक हुआ था। मेरी ना किसी से कोई दुश्मनी है और ना किसी के प्रति कोई दुर्भावना। आप मेरे बयान को जिस प्रकार देखना चाहे देखें, और अपनी भावना के वशीभूत जो कार्य मैंने किया है उसका जो दंड मुझे देना चाहे दे। मैं किसी प्रकार की कोई दया नहीं चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी ओर से कोई दया की याचना करे। इस अभियोग में मेरे साथ कई लोगों को षड्यंत्रकारियों के रूप में शामिल किया गया है। इस बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस कार्य में मेरा कोई साथी नहीं है, और केवल मैं ही इसका उत्तरदायी हूं। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वक्तव्य मैंने दिया है वह सत्य और शुद्ध है। इसमें प्रस्तुत प्रत्येक बात संदर्भ ग्रंथों को देखकर तैयार की गई है। मैंने ये लंबा वक्तव्य इसलिए नहीं दिया कि लोग मेरे कार्य को सराहें, बल्कि इसलिए दिया है कि लोग मेरे विचारों को भली भांति जान जाएं और किसी के मस्तिष्क में कोई भ्रांत धारणा न रहे। भगवान करे हमारा देश फिर अखंड हो और भारतीय उन विचारों का त्याग करे जो अत्याचारी के आगे झुकने की प्रेरणा देते हैं। यह सत्य है कि मैंने सैकड़ों लोगों के बीच दिन के समय गांधी जी पर गोलियां चलाई, परंतु मैंने भागने का प्रयत्न नहीं किया और ना ही स्वयं पर गोली चलाई। मैंने कानून के सामने आत्मसमर्पण किया, क्योंकि मैं अपने विचारों को खुली अदालत में प्रकट करना चाहता था। आलोचनाओं के बावजूद मैंने जो कृत्य किया है उसके नैतिक पक्ष पर मेरी आत्मा कभी भी विचलित नहीं हुई, और मुझे किंचित भी संदेह नहीं कि सच्चाई और ईमानदारी से इतिहास के इस अध्याय को जब इतिहासकार लिखेंगे तो वो मेरे कार्यों और उसके परिणाम का सही मूल्यांकन करेंगे। मेरा वक्तव्य अब समाप्त हो चुका है। आपने इसे ध्यान से सुना और सुविधाएं दी, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। जिन्होंने मुझे इस अभियोग में कानूनी सहायता दी और इस अभियोग से संबंधित पुलिस अफसरों का भी मैं कृतज्ञ हूं। जेल के अफसरों को भी सद्व्यवहार के लिए धन्यवाद। अखंड भारत अमर रहे।